हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पी ब्लॉक का लेकर के आए हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था हम लोग ग्रुप 15 पर है। आज हम लोग ग्रुप 15 को जो है लास्ट पोर्शन पे पहुंचे हुए हैं, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये दो पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑक्सो एसिड्स में कैसे वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, कैसे वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और साथ ही साथ हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस कितने तरह के हैलाइड्स बनाता है, उसकी कैसे प्रिपरेशन है, कुछ क्या प्रॉपर्टी है और स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस करें। फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में चर्चा करें तो हमने आपसे बताया फास्फोरस के दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी फास्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, एक को हम लोग कहते हैं ट्राई हैलाइड्स यानी जैसे कहते हैं PX3। अब अगर आप यहां एक्स की बात करेंगे तो एक्स तो आप जान ही रहे हैलोजन है, लेकिन यहां फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है यानी फास्फोरस कितना बांड बना रहा है, कोवैलेंसी यहां पे 3 है, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 है। और दूसरा हैलाइड्स है पेंटा हैलाइड्स, जिसे हम लोग कहते हैं PX5, और यहां फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो आपकी है 5। और आपको मालूम है यहां x बराबर ये आपका F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, जो आपका यहां x है ये कुछ भी हो सकता है, x बराबर FClBr और I। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम दोनों का साथ लेकर चलेंगे, दोनों का साथ लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो आपको मालूम है आप बाईपासिंग ड्राई क्लोरीन गैस ओवर व्हाइट फास्फोरस। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ड्राई, ड्राई का मतलब मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर फ्री। अगर हम मॉइस्चर फ्री नहीं लेंगे तो व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्ट कर लेगा आपस में पहले ही, आपस में मॉइस्चर और फास्फोरस रिएक्शन करके फास्फोरस का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए जब भी व्हाइट फास्फोरस लेंगे आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब एयर से जो है फ्री होना चाहिए, वहां एयर प्रेजेंट ना हो या मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो देखिए दोनों सिचुएशन में ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोथ PCl3 का भी देख रहे हैं और PCl5 का भी देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिया P4 और प्लस Cl2 गैस लिया आपने और इसे पास किया व्हाइट फास्फोरस पे, और आपने इसको अगर पास किया तो सीधा सीधा आपका रिएक्शन देखिए, क्योंकि 4 तो ये तो बनेगा 4 PCl3, ये सीधा सीधा बन जाएगा। अब ये आपका जो है क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा 6Cl2, ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया। अब अगर हम इसी में फास्फोरस ले लें और यहां क्लोरीन को एक्सेस ले लें, ये जो Cl2 है आपका Cl2 गैस है, इसी को एक्सेस क्वांटिटी में ले, जैसे ये एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे आपका बन जाएगा PCl5
और यहां हो जाएगा 4 PCl5। इसका मतलब है आपका ये होना चाहिए कितना, 10 Cl। ये 10 Cl2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए PCl5 भी बन रहा है और PCl3 भी बन रहा है यहां पे। इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो यहां पे इस तरह से बना सकते हैं इसको। अगर हम इसके दूसरे मेथड को ऑब्जर्व करें तो दूसरा मेथड देखिए, बोथ कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, बोथ कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। आप जानते हैं थायोनिल क्लोराइड या सल्फ्यूरिक क्लोराइड्स की सहायता से प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखिए PCl3 के लिए PCl3 जो है बाई थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की सहायता से बनाएंगे भाई। और थायोनिल क्लोराइड की सहायता से अगर बनाएंगे तो सीधे सीधे आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, P4+8। थायोनिल का मतलब होता थायो ग्रुप, ये होता है भाई, ये थायो ग्रुप हो गया, ये थायो ग्रुप हो गया। और यहां पे जो है क्लोराइड लगा दीजिए यानी SOCl2, तो थायोनिल क्लोराइड हो गया। इसका मतलब 8 AsOCl2। अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप देखिए 8 × 2 क्या हो जा रहा है, 16 यहां Cl2 दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां पे पहले तो 4 PCl3 बनाना ही है आपको, 4 PCl3 बनी जाएगा। और उसके बाद यहां पे SO2 भी बनना है, SO2 गैस भी बनता है। और एक और कंपाउंड आपका बनता है S2Cl2। ये चूंकि 8 ऑक्सीजन है तो 4 SO2 बनेगा, बाकी डाइसल्फर डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन यहां पे सीधे सीधे हो रहा। ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और PCl3 का फॉर्मेशन यहां पे हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी में और दिखाएं दूसरा मेथड PCl5 के लिए, अगर हम PCl5 के लिए लें तो PCl5 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या लेते हैं, SO2Cl2। और इसे बोलते क्या हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं भाई। और आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड की सहायता से व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन कराइए, आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। देखिए P4+SO2Cl2। अगर आप इसकी रिएक्शन कराइए तो सबसे पहली चीज तो PCl5 बनेगा, और कितना PCl5, 4। अब अपने आप बैलेंस कर लीजिए, 4 × 5 = 20 हो रहा है। अब 20 का मतलब यहां 20 क्लोरीन चाहिए, तो इसको लिख लीजिए 10 और यहां बन जाएगा 10 SO2। ये सीधा सीधा आपका जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों हो गया, ठीक है भाई, PCl3 और PCl5। आपको मालूम है ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और विथ पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है। और ये आप जानते हैं PCl5 के बारे में कहा जाता है ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, येलोइश येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, या कहिए आप इसको इस सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी स्मेल जो होगी वो पंजेंट होगी भाई, पंजेंट स्मेल ये भी होगा भाई। क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन की प्रेजेंट की वजह से वो हमेशा जहां पर भी क्लोरीन रहता है उसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। क्लोरीन जो है क्लोरीन इंसेक्टिसाइड होता आपको मालूम ही है, और वो जहां पर भी प्रेजेंट रहेगा तो उस कंपाउंड की जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल होगी भाई, बहुत तीखी रहती है,
जो आप आसानी से उसको बेयर कर नहीं सकते, आसानी से इनहेल कर नहीं सकते भाई, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम दोनों की रिएक्शन विद वाटर पढ़ते, रिएक्शन विद वाटर, इसकी भी रिएक्शन विद वाटर और इसकी भी रिएक्शन विद वाटर पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो PCl3 जो होता है रिएक्ट विगोरसली, विगोरसली जो है ये रिएक्ट करता है। अगर विगोरसली रिएक्ट करेगा तो यहां देखिए PCl3 और प्लस H2O, PCl3 और प्लस H2O की बात हो रही है। एक खासियत होती है PCl3 की रिएक्शन की कि जितने भी यहां पे अगर कोई ऐसा कंपाउंड आप ले रहे हैं जिसमें OH बांड पाया जाता है, जिसमें OH बांड पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा Cl जो होता है उस OH के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी PCl3 का रिएक्शन आप ऑब्जर्व करते हैं, जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अगर वहां पे OH है तो वो OH को रिप्लेस करेगा पूरा का पूरा Cl, यानी तीन Cl है तो यहाँ तीन मॉलिक्यूल वाटर को यूज करेंगे, और तीन मॉलिक्यूल वाटर को यूज करेंगे तो तीनों Cl अगर हट जाए तो ये बन जाएगा POH का होल थ्राइस। अब तीन OH हट गया यहां से, तीन एच और तीन Cl मिलकर बन जाएगा क्या, 3HCl, या इसी को हम लोग लिखते हैं H3PO3। ये पढ़ते, इसे हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस एसिड पढ़ेंगे, ठीक। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये रिएक्ट विद वाटर, वाटर या मॉइस्चर भी कह सकते हैं भाई, मॉइस्चर से रिएक्शन की बात होगी तब भी यही रिएक्शन दिखाएंगे, मॉइस्चर भी वाटर की ही बात हो रही है। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो PCl5 के साथ एक कंडीशन यहां पर भी होती है, इसके साथ भी यही चीज होती है, देखिए HOH है। अगर आप इसको लेंगे तो पहले तो ये दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, टू स्टेप्स में रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होती, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कैसे दो स्टेप में, किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है इसको समझिए। हमने आपसे कहा ये PCl5 जो होता है वो पहले इसमें टूटता है, PCl3 प्लस Cl2 ये इसमें टूटता है, ठीक। अब अगर आप इसकी रिएक्शन कराइए, आप देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं PCl3 प्लस Cl और प्लस Cl, ऐसे ही तो है। तो अगर हम इसके साथ दिखाएं, इसके साथ दिखाएं और यहां पे H H और O ऐसे दिखाएं, तो देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन गया POCl3, देखिए POCl3 ये बना, और उसके बाद यहां बन गया 2HCl, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फोरिल या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये बन जाए, ठीक है भाई। अब इसकी फर्दर वाटर से रिएक्शन कराइए, जितना Cl है उतना OH ले लीजिए, फिर से HOH, तो ये OH जो है इन Cl को रिप्लेस कर देगा, अगर इन Cl को रिप्लेस करेगा तो यहां से निकलेगा क्या 3HCl और बन जाएगा POOH का होल थ्राइस। देखिए यही चीज है, POOH का होल थ्राइस यही तो हो रहा है आपका यहाँ पे, अगर POOH का होल थ्राइस है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, अगर एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा, और ये H3PO3 बन रहा था यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड हो गया भाई। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेनिंग OH ग्रुप,
आपके लिए इसमें रिएक्शन भी रहेगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे, कुछ रिएक्शन हम आपको बताएंगे। दोनों के लिए है भाई, ये इनके लिए भी है और ये पीसीएल 5 के लिए भी। तो पीसीएल 5 के लिए और पीसीएल 3 के लिए। तो हम पहला रिएक्शन ले रहे हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन। जैसे देखिए C2H5OH और प्लस POCl3। C2H5OH प्लस PCl5। अब सुनिएगा फिर से जरा ध्यान से, हमने आप PCl3 है यार, PCl3 हमने आपसे कहा ये दो रिएक्शन हैं, एक दो, यहां PCl3 लिया है और यहां PCl5 का। PCl3 का पहले दिमाग बैठाइए, PCl3 के रिएक्शन की एक खासियत होती है कि जितने Cl होंगे, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ऐसा लिया उसमें OH प्रेजेंट है, जितने Cl होंगे उतना OH भी होना चाहिए। तो OH तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है और यहाँ Cl3 है, तो इसका मतलब है हमको इसको तीन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तीन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब ये तीनों OH इन तीनों Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे Cl जो है आकर बन जाएगा ये आपका 3 मॉलिक्यूल C2H5 और Cl और प्लस POH का होल थ्राइस बन जाएगा। यानी आपने क्या कहा, अल्कोहल का जो अल्कोहल का कन्वर्जन है वो किसमें हो रहा है, एल्किल हैलाइड में। ये अभी आप जो है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन में पढ़ेंगे तो ये कन्वर्जन रिएक्शन में यूज होता है, ये कन्वर्जन हो रहा है। देखिए ध्यान से, कन्वर्जन में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे देखिए, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, PCl5 के साथ हमने आपसे बताया PCl5 के साथ सबसे खासियत खास बात क्या होती है कि ये थर्मली स्टेबल लेस स्टेबल होता है और ये हमेशा टूटता किस में है, PCl5 जो है PCl3 में और Cl2 में टूटता है और Cl को हम अलग अलग दिखा देते हैं और फिर उसके बाद इसको आप देखिए ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये टूट गया, ठीक है, ये दोनों ऐसे टूट गया। या एक देखिए, दो Cl आपके पास हैं, दो Cl आपके पास यहाँ पे हैं, एक Cl लाइए इसके साथ जोड़ दीजिए, एक Cl लाइए इसके साथ जोड़ दीजिए और जो PCl3 बना हुआ है उसको लाइए O वाले के साथ जोड़ दीजिए। अब जोड़ के लिखना है तो ये बन जाएगा C2H5Cl और फिर बन जाएगा POCl3 और प्लस HCl। तो यहां पे आप जान लीजिए, जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो इसमें ये जरूर बनता है, ये जरूर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपने क्या कहा, ये आपने अल्कोहल लिया और अल्कोहल लेकर के क्या बना दिया, एल्किल हैलाइड बना दिया, तो ये भी आपका एक कन्वर्जन हो गया। यानी ये क्या हो गया, आपका कन्वर्जन हो गया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आप पढ़ते हैं, इस तरह के रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमने आपके लिए रख दिया है, CH3COOH प्लस PCl5, ये आपके लिए, और यहां पे CH3COOH और प्लस PCl3 ये आपके लिए, ये HW हो गया आपके लिए, HW हो गया, ये ध्यान रखिए। इसको सुना ही होगा आपने, ये क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है। अगर इसकी PCl5 से रिएक्शन करें तो जानते हैं रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है,
रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। प्रोडक्ट में देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट में अगर देखेंगे तो यहां पे ये हटेगा दोनों, और दोनों हटने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, सीएल। यहां पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, सीएल आ जाएगा। यस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहां सीएल आ जाएगा, और इसका दो मॉलिक्यूल यूज करें और ये बन जाएगा आपका क्या, इसको देखिए क्या बन रहा है, ये यस ओ टू सी एल टू और प्लस। अब यहां पे ये रिएक्शन बन रहा है टू पी ओ सी एल टू, टू पी ओ सी एल थ्री और प्लस टू एस सी एल, ये प्रोडक्ट बन रहा है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की सहायता से हमने क्या बनाया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा रिएक्शन आपके लिए हम दे रहे हैं, उसको करिएगा घर पे बैठ के, घर पे बैठ के कर ही रहे हो खैर तुम लोग। एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस पी सी एल फाइव, ये भी रिएक्शन कैसा होता है, एक्सप्लोसिव। और प्रोडक्ट आपको बताना है एच डब्ल्यू आपके लिए मालूम, हमने बताया पी सी एल फाइव जो होता है वो थर्मली लेस स्टेबल होता है, ठीक। पी सी एल फाइव जो होता है थर्मली लेस स्टेबल होता है देन पी सी एल थ्री, ठीक, पी सी एल थ्री, ठीक है। अगर आप इसको हीट करिए, अन हीटिंग, तो ये सबलाइम कर जाता है, ये सॉलिड है ना, तो सबलाइम कर जाता है। लेकिन अगर इसको स्ट्रांगली हीट करिए, अगर आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो ये डिकम्पोज करता है, इट डिकम्पोजेस टू पी सी एल थ्री एंड सी एल टू, ये ध्यान रखिएगा। यानी पी सी एल फाइव जो होता है ये थर्मली लेस स्टेबल होता है, इसकी अपेक्षा पी सी एल थ्री की तरह अपेक्षा, और ये अगर हीट करेंगे तो ये हमेशा सबलाइम करता है। सबलिमेशन प्रोसेस जानते हैं ना, सबलिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट आप सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गैस में, लिक्विड स्टेट को बिना अचीव किए हुए, तो आप ये सबलाइम करता है। लेकिन अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, स्ट्रांग हीट, स्ट्रांग हीट, तो ये PCl3 और प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल, देखिए मेटल से ये रिएक्शन करे, अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड मेटल लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म ज्यादा यूज होता है, हमने सरफेस केमिस्ट्री बताया है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स यूज करते हैं, तो यहां पे जो है आपका सीधे सीधे प्रोडक्ट जो है वो, जैसे देखिए 2Ag प्लस PCl5 इनके साथ रिएक्शन कराइए, तो ये आपका जो है बन जाएगा 2AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और प्लस PCl3 हो जाएगा। ऐसे SnCl2 लीजिए, Sn लीजिए और ये PCl5 से रिएक्शन कराइए, तो Sn को कितना मेटल, Sn को कितना आपका चाहिए, चार Cl चाहिए, तो इसका दो मॉलिक्यूल लीजिए और ये बन जाएगा SnCl4 और प्लस 2PCl3, ये आपका सीधे सीधे रिएक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब PCl5 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PCl3 में, PCl5 जो है ये PCl3 में हमेशा ये स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है, अपने क्लोरीन को जो है मेटल को देकर के मेटल के करिस्पॉन्डिंग क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है और सीधा सीधा जो है PCl5 PCl3 में कन्वर्ट हो रहा है, इधर PCl3 और इधर PCl5।
PCl3 का मतलब हो गया फास्फोरस के पास, देखिए फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, भाई ग्रुप 15 का मेंबर है ना, फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, तो 285 पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच में तीन ही बांड बना रहा, तो एक लोन पेयर और तीन बांड पेयर, एक लोन पेयर तीन बांड पेयर, इसकी ज्योमेट्री का नाम जो हो जाएगा वो पिरामिडल हो जाएगा, और पिरामिडल हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे पांच बांड पेयर है, और पांच बांड पेयर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 है, उसके पास एक लोन पेयर तीन बांड पेयर, एक लोन पेयर तीन बांड पेयर यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए चार, चार का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और एक लोन पेयर तीन बांड पेयर का वेस्पर थ्योरी के हिसाब से जो है उसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। अगर हम इसी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि फास्फोरस के तीन बांड और एक एपेक्स पे एक लोन पेयर दिखा दिया हमने, और यहाँ पे इनका जो शेप है वो पिरामिड के आकार का है, उनके बीच का जो एंगल है 100.4 डिग्री है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ है पी और सीएल का वो 142 पिकोमीटर है। तो ये शेप हो गया इनका पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल जो है वो आपका है 100.4 डिग्री और 142 पिकोमीटर पीसीएल की बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे पीसीएल 5 की बात करते हैं। पीसीएल 5 में टोटल पांच इलेक्ट्रॉन पेयर है, पांच बांड पेयर, पांच बांड पेयर होने की वजह से उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने 11 के में जो है अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया है हाउ टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, आप उसको देखिए, और हम बार बार आपके कुछ ऐसे टॉपिक 11th वाले आपके ग्रुप में भी शेयर करते हैं जिससे कि आप उसको देखें और समझने का प्रयास करें, और उसके जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करें आप भी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे फास्फोरस जो है देखिए सेंटर में है, और ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बना रहा है, ट्राइगोनल का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री है, और ट्राइगोनल का मतलब ये हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल देखिए एंगल जो बना रहा है ये 90 डिग्री का, ये कितना है 90 डिग्री का, तो यानी कि ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90, ये पूरा का पूरा एक ट्राइगोनल एक प्लेन में है। ठीक, एक ट्राइगोनल एक प्लेन में है इस तरह से, और उसके ऊपर ये जो है बाइपिरामिडल है, तो ये हमेशा 90 डिग्री हर साइड में ये बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो ट्राइगोनल वाला है, ट्राइगोनल वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम लोग इक्वाटोरियल कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ये बाइपिरामिडल वाला उस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपके यहाँ आता है कि क्या पीसीएल 5 में सारे बॉन्ड जो है एक समान है, तो आंसर होगा नो, आंसर होगा नो, इक्वल लेंथ के नहीं है, एक्सियल बॉन्ड लार्जर है देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। कितने एक्सियल बॉन्ड है, एक और दो, इक्वाटोरियल कितने, एक दो तीन, टोटल पांच बॉन्ड है, दो एक्सियल और तीन इक्वाटोरियल। एक्सियल बॉन्ड लार्जर क्यों होते हैं वो भी समझ लीजिए, एक्सियल बॉन्ड लार्जर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड बिकॉज एक्सियल बॉन्ड लार्जर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड बिकॉज, क्यों ऐसा होता है इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस चीज को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखिए ये 90 डिग्री पर जो ट्राइगोनल प्लेन है उस पर 90 डिग्री पे प्रेजेंट है यानी पास में, तो ये रिपल्सन को ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ये रिपल्सन को ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, इस वजह से थोड़ा सा खींच जाता है, और थोड़ा सा इलांगेट होने की वजह से ये आपका जो है बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है मैम, यानी एक्सियल बॉन्ड सफर्स मोर रिपल्सन देन
इक्वाटोरियल हैज एक्सियल बॉन्ड जो है लार्ज होता है, एक्सियल बॉन्ड जब लार्ज होता है ये ध्यान रखिएगा ठीक। और ये कहा जाता है कि जो पीसीएल फाइव होता है अगर ये सॉलिड स्टेट में एडजस्ट करता है तो ये आयनिक फॉर्म में, पीसीएल फाइव सॉलिड स्टेट में एडजस्ट एज इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म। और वो आयनिक फॉर्म कौन सा होता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये आपका कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया ठीक है। कैटायन और एनायन अगर आपको मालूम है कैटायन में कितना बॉन्ड बना रहा, चार, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और यहां छह बॉन्ड बन रहा है इसकी ज्योमेट्री जो होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। फास्फोरस ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात, ऑक्सो एसिड्स हमने बार बार आपसे कहा है कि ऑक्सो एसिड्स का मतलब जिसमें OH लिंकेज पाए, ऑक्सो एसिड्स का मतलब ही सीधा सीधा हो गया जिसमें OH बांड पाया जाए, जो मेटल जो एलिमेंट आपने कहा वो हो और उसके साथ OH लिंकेज पाया जाए तो वो ऑक्सो एसिड्स कहलाएगा। ये सीधा सीधा है, इसमें बहुत ज्यादा आप कहने की कोई जरूरत नहीं। तो फास्फोरस के बारे में कहा जाता है फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है फास्फोरस की बात ठीक है। और इसमें जो है फास्फोरस एटम जो होता है टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय फोर आइटम्स, कम से कम चार एटम जो है फास्फोरस को टेट्राहेड्रली सराउंड किए हुए ठीक है भाई, सराउंडेड बाय फोर एटम्स ठीक। और जितने भी एसिड्स होते हैं ऑल दीज एसिड्स कंटेन्स एट लीस्ट वन P डबल बॉन्ड O होगा एंड वन पी ओ एच बॉन्ड, ये जरूरी है, कम से कम उसमें P डबल बॉन्ड O और यूनिट और पी ओ एच बॉन्ड की यूनिट होनी चाहिए, एक यूनिट ये कम से कम हो, ये यूनिट होनी चाहिए जितने भी आपके ऑक्सो एसिड्स होंगे उनके लिए शर्त है भाई, उनके लिए ये शर्त है कि उसमें ये यूनिट होनी चाहिए ठीक। और जानते हैं जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसमें अगर पीएच बांड प्रेजेंट, जो पीएच बांड है ये आपका इंपार्ट्स रिड्यूसिंग करेक्टर, इंपार्ट्स रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ एसिड, ये ध्यान रखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो अगर किसी भी ऑक्सो एसिड्स में पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड ग्रेटर द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ग्रेटर इज रिड्यूसिंग करेक्टर, अभी इसको रिएक्शन के थ्रू दिखाएंगे आपको रिड्यूसिंग करेक्टर, ये हो गया। कुछ और भी बात देख लीजिए, कहा जाता है कि जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं
तो स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, उस स्ट्रक्चर में जितने भी नंबर ऑफ ओएच बांड प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ ओएच बांड या कहिए नंबर ऑफ ओएच ग्रुप कहेंगे, इंडिकेट्स द बेसिसिटी, ये भी पूछा जाता है, इंडिकेट्स द बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। यानी अभी आप बनाएंगे स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को देखिए उसमें कितने ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, उसी आधार पे जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे हमने आपसे कहा फास्फोरस जो है मैक्सिमम कितने बांड बना सकता है, मैक्सिमम 5 बांड, 5 में एक डबल बांड होगा, 1 डबल बांड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा वो डबल बांड कौन सा कह रहे हैं, पी डबल बांड ओ, यही तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना बांड, पाई बांड, फिर इसमें एक पाई बांड आ गया, पाई बांड आ गया तो इसका मतलब फास्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 एटम, एक पाई बांड को काउंट करके टोटल कितना बांड हो गया, 5 बांड, अब 5 में से पाई बांड को हटा दिया तो टोटल 4 बांड हो गया, क्योंकि पाई बांड स्ट्रक्चर को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। 3PO4 को दिखाते हैं, तो देखिए OH 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 H3PO4, आप इसे पढ़ते हैं फास्फोरिक एसिड, इसे क्या पढ़ते हैं फास्फोरिक एसिड, या कहीं कहीं आर्थोफास्फोरिक एसिड भी सुना होगा, ठीक है, आर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। अब अगर इसमें देखिए कितने OH प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी बेसिसिटी जो होगी, बेसिसिटी 3 हो गया यानी ट्राई बेसिक हो गया, ट्राई बेसिक हो गया, और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस -3, -2, +5 ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं अगर इसी में से, ध्यान दीजिएगा, इसी में से हम लोग अगर H2O निकाल दें, H2O निकाल दें -H2O, H2O निकालने का मतलब कहीं से भी एक OH और एक H निकाल दीजिए, एक OH और एक H निकाल देंगे तो एक OH यानी आपका कितना हो जाएगा, 2H और एक O निकालने के बाद बच जाएगा क्या, H2PO, 2H निकलेगा ना, हाँ HPO कितना बचेगा, HPO3 ये बचेगा, -H2O निकाल दिया, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। यानी आप मेटा वर्ड यूज कब करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर जाता है। तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो यहां पे देखिए पी डबल बांड एक तो ये होना ही चाहिए, एक क्या होना चाहिए, पी डबल बांड ओ और पी ओ एच बांड होना चाहिए, है इसमें, इसमें आपको दिखाई दे रहा है मेटाफास्फोरिक एसिड। और अगर आप इसको देखिए तो ये मोनोबेसिक हो गया, ये मोनोबेसिक हो गया क्योंकि इसमें कितना OH है, एक ही OH है, तो देखिए -1, -2, -2 इस तरह से आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट वही आप ऑब्जर्व करें। अब इसको देखिए अगर हम फास्फोरिक एसिड का दो मॉलिक्यूल ले लें और ये कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होने पर H2O निकलता है, ठीक H2O निकलेगा, यानी दो मॉलिक्यूल ले लें तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, P डबल बांड O OH, एक OH यहां हो गया, यहां से ये O निकल गया, ये हो गया O OH और ये OH हो गया। देखिए दो मॉलिक्यूल अगर ले रहे हैं इसका तो एक में से H2O निकलेगा और एक O कॉमन हो जाए, तो इसे हम लोग कह रहे हैं डाइफास्फोरिक एसिड, इसे क्या कहेंगे, डाइफास्फोरिक एसिड कह रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा डाइफास्फोरिक। और इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, टेट्रा, 4 OH है ना,
चार OH है तो ये टेट्रा बेसिक होगा। अगर इसी को एक ओ और दे दीजिए, एक ओ और दे दीजिए, तो ये ओ जाकर के यहां परऑक्साइड बॉन्ड बना देगा, ये ओ जाकर के यहां पे परऑक्साइड बॉन्ड बना देगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, और यहां आ जाएगा ओ ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और ओ एच। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परऑक्सो। अब यहां पे नाम दूसरा हो जाएगा, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो यानी पर ऑक्साइड बॉन्ड हो रहा है, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बेसिसिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, चार ओ एच है तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा बेसिक हो जाएगा, पर ऑक्सो हो गया भैया। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा फास्फोरस का, प्लस फाइव आना चाहिए, प्लस फाइव से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्लस फाइव से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर एक ओ बढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर एक ओ हम लोग ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए एक ओ बढ़ाएंगे तो यहां पर ऑक्साइड कहीं ना कहीं बांड बनेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो। देखिए ये OH कर दिया, इसको भी OH कर दीजिए, यहां पे पर ऑक्साइड बॉन्ड दिखा दीजिए, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, वहां डाइफॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, तो और यहां पे OH की बात कर रहे हैं, OH एक दो तीन ट्राई बेसिक ये भी हो जाएगा, अगर आप इसको सीधे सीधे आप एक ओ निकाल दीजिए, इसी में से माइनस ओ कर दीजिए, माइनस ओ कर देंगे तो यहां से ओ निकलेगा, तो आपका जो ये सीधा सीधा फॉर्मेशन हो रहा है ये यहां से ओ हट जाएगा और यहां फास्फोरस फास्फोरस कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहां ओ एच, यहां ओ एच, यहां ओ एच और यहां ओ एच, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, और ऐसे फास्फोरिक एसिड को हम लोग हाइपो फास्फोरिक एसिड कहते हैं, हाइपो फास्फोरिक एसिड कहते हैं, हाइपो फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ये भी टेट्रा बेसिक होगा, टेट्रा, और यहां प्लस फोर होगा, दो तो चार, देखिए दो दो चार होगा, पर फास्फोरस एसिड। अगर आप फास्फोरस एसिड को ध्यान दीजिए, बेस मानिए, तो यहां से ओ को निकाल दीजिए, यहां से ओ को आप निकालिए, एक ओ निकालेंगे तो कहीं पर भी आपका ये बन जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ, एक एच यहां हो गया, एक एच यहां हो गया, ओ एच हो, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपो फास्फोरस एसिड, और यहां ये कितना होगा, मोनोबेसिक होगा, मोनोबेसिक होगा। और आप जानते हैं यहां दो पीएच बांड है, दो पीएच बांड प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, अभी दिखाएंगे आपको, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। और फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्लस वन। अगर इसी का दो मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसे कंडेंस करें, दो मॉलिक्यूल लेने के बाद कंडेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा, तो यहीं से एक H2O निकल जाएगा, O जो है लिंकेज हो जाएगा, तो देखिए
एच पी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां ओ, यहां पी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पे ओ एच, इसे हम लोग कहते हैं पाइरोफास्फोरस एसिड, पाइरोफास्फोरस एसिड, पाइरोफास्फोरस एसिड इसे कहते हैं। कहने का मतलब है कहीं ऑक्सीजन ऐड करके कोई किसी आप जो एसिड को बना रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन रिमूव करके पैरेंट एसिड से बना रहे हैं, कहीं दो मॉलिक्यूल लेकर के आप बना रहे हैं, तो जहां पायरो है, जहां ऑक्सो है और जहां मेटा यूज कर रहे हैं वहां पे देखिए, या तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, या तो ऑक्सीजन वाटर रिमूव कर रहे हैं या तो ऑक्सीजन ऐड या जो एसिड्स हैं जितने भी ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़े उसमें, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि फास्फोरस प्लस फाइव के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसका मतलब फास्फोरस अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इन ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लेस देन प्लस फाइव, ये लेस देन प्लस फाइव शो कर रहा है। जितने भी ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़े तो वहां पे लेस देन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो जहां पर भी ये लेस देन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इन सच सिचुएशन जहां पर भी ये ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, फास्फोरस या ऑक्सो एसिड लिखते हैं, ऑक्सो एसिड्स कंटेन्स पीपी बॉन्ड, मतलब जहां पे लेस देन फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वहां पे पीपी बॉन्ड प्रेजेंट होगा या पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट, चाहे पीपी बॉन्ड प्रेजेंट हो चाहे पीएच बॉन्ड प्रेजेंट हो, या ठीक है बट बोथ आर नॉट, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे हम लोग आइए देखते हैं कि जो भी आप जो एसिड्स ऑक्सो एसिड्स इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, सोज डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, आपने पढ़ा है डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, शुरुआत में ही हमने बताया डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, जो आपका फास्फोरस है वो डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करता है, और वो डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कौन सा है ये देखिए, जैसे एस थ्री इसको हमने दिखाया है एस थ्री पी ओ फोर में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस पी एस थ्री में, अगर आपको याद हो तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, यहां प्लस फाइव है और यहां माइनस थ्री, तो देखिए ऑक्सीडेशन, अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करता है तो ऐसे रिएक्शन को अपने रिडक्शन में बताया है कि आप कौन सा रिएक्शन कहलाता है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। दूसरी बात अभी हम लोग कह रहे थे ऐसे एसिड्स हैव पीएच बॉन्ड, ऐसे एसिड्स जिनमें पीएच बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे एसिड जिसमें पीएच बॉन्ड पाया जाता है, हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल देखिए
फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं H3PO2, इसे हम लोग गुड रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, इसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए वाई H3PO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बताएंगे बिकॉज इट कंटेन्स हाउ मच पीएच बॉन्ड, टू पी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड एस इट रिड्यूसेस AgNO3 इंटू एजी। AgNO3 को किसमें कन्वर्ट करता है, एजी में कन्वर्ट कर। देखिए यहां पे आपका जो है H3PO2 जो है ये किसमें कन्वर्ट हुआ, H3PO4 में, और ये AgNO3 जो है ये कन्वर्ट हुआ यहां पे, तो ये रिड्यूस कर रहा है। आपको मालूम है इसका जो है ऑर्गेनिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी H3PO3 जो जानते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ये बेंजीन में कन्वर्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि फिर बेंजीन से ढेर सारे कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये इसको हम लोग सीधे सीधे आगे करते हैं C6H5N2Cl प्लस H3PO2 और प्लस 2H2O, ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा बेंजीन, बन जाएगा C6H6N2 और प्लस HCl, और आपका ये सीधा सीधा जो है H3PO H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां H3PO3 बनता है, यहां से नाइट्रोजन निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और यहां से एक O इसके साथ जुड़ जाएगा, और दो H है तो एक H इसके साथ जुड़ेगा और एक H Cl के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये आपका बन गया। ठीक है भाई, आपको मालूम है यहां पे देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन मालूम है H3PO2 को जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ठीक, तो देखिए H3PO3 इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, also reducing agent, but it is weaker than किसकी अपेक्षा, H3PO2 की अपेक्षा। क्यों, अगर आप स्ट्रक्चर देखिए पी डबल बॉन्ड हो H OH OH, इसका देखिए पी डबल बॉन्ड हो H OH, ये तो इसमें कितने पीएच बांड है, इसमें एक पीएच बांड है, इसमें कितने पीएच बांड है, दो पीएच बांड है, देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ पीएच बांड क्या है, टू है, इसमें नंबर ऑफ पीएच बांड वन, इसलिए ये क्या होगा, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो ये हो सकता है, इसकी सहायता से हम लोग इसको बता भी सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका ग्रुप 15 का जो है पूरा का पूरा टॉपिक हुआ, और पूरा का पूरा ये आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन लेते रहे, इसी बहाने आपका रिवीजन भी होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल, ऑक्साइड कौन सा न्यूट्रल है, N2O3 N2O5 N2O4 N2, कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, अगर आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े तो उसमें आइडिया आपको होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज लीस्ट बेसिक, कौन सा नाइट्रोजन का हैलाइड्स लीस्ट बेसिक है, चाहे NF3 हो, चाहे NHCl3 हो, NBr3 है, NI3 हो,
ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आप इसको लेकर चल सकते हैं। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज आर्सेनिक का ट्राई ऑक्साइड है, फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड है, और जो है एंटीमनी का ट्राई ऑक्साइड है, बिस्मत का ट्राई ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट देखिए। ये फास्फोरस का पेंटा ऑक्साइड नहीं है, फास्फोरस का ट्राई ऑक्साइड ही है, तभी क्वेश्चन सही बन रहा है, देख रहे हैं। चलिए, मेटाफास्फोरिक एसिड इज, मेटाफास्फोरिक एसिड कौन है, H3PO2 है कि SPO3 है कि H3PO3 है कि H3PO4 है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है, 1, 2, 3, 4। विच इज नॉट पॉइजनस, इनमें से कौन पॉइजनस नहीं होता, NH3, PH3, ASH3 और SBS3। फिर उसके बाद अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, अमोनिया अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो N2+NH4Cl या NCl3+HCl या NH4Cl NCl3 या नाइट्रोजन और HCl बनता है। विच हाइड्राइड पजेस द मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NH3, PH3, BiS3, SbS3 में किसका कॉम्प्लेक्स बनाने का नेचर ज्यादा है। व्हाइट फास्फोरस को हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं, येलो फास्फोरस इज कैप्ट इन, येलो या व्हाइट फास्फोरस इज कैप्ट इन, आप किसमें येलो फास्फोरस को रखते हैं, वाटर में, ईथर में, एल्कोहल में, केरोसिन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको हमने आपको बताया था। और उसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को जब आप डीकम्पोज करते हैं हीट के द्वारा तो क्या मिलता है, अमोनिया या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ओजोन, या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या H2, या नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, ये आपको पता करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सब्सटेंस यूज्ड इन होलमेज सिग्नल, हमने होलमेज सिग्नल के बारे में बताया था, जहां पे सी में डेंजर पॉइंट होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे कौन सब्सटेंस में यूज होता है, NH3, PH3, PH5 या P2 या O5। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप देख करके, इनको आप पढ़ करके अटेम्प्ट करिए, और इसी तरह से आगे क्वेश्चन का ऐसे ही सीरीज चलाते रहेंगे, आपका ये जो है क्या हो जाएगा, रिवीजन भी होता रहेगा और आप अटेम्प्ट भी करिए इसको। ठीक है भाई, इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे।